हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 402 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटो की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के आदेश अनुसार सोजत वृत्त अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोजत रोड पुलिस थाना अधिकारी सीमा जाखड़ में टीम द्वारा आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह थाना अधिकारी सीमा जाखड़ द्वारा गश्त के दौरान नाकाबंदी के स्टेट हाईवे 61 खारडी ग्राम के निकट मारवाड़ की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवाने पर तस्करों ने फायरिंग की और संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पलटी खा गई। मौका देख पुलिस ने एक तस्कर को घेर दबोचा, वहीं एक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 बोरे में भरे 402 किलो डोडा पोस्ट जो कि बोरे में भरे हुए थे पुलिस ने जब्त किए। इन डोडा की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही। तो वहीं फरार तस्कर की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही और खोजबीन में लगी हुई है। पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 नाल की बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने जोधपुर जिला निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया, उससे और गहनता से पूछताछ की जा रही। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ इन्होंने ये कहा। दिनांक 10 तारीख को मेरी सर्किल गश्त थी, जिसमें मैं सर्किल गश्त करते हुए अपने स्टाफ के साथ में जाडन होते हुए खारड़ी मारवाड़ जंक्शन की तरफ जा रही थी। तो खारड़ी सरहद के आगे पुलिया बन रहा है, जहाँ पे वहाँ पे तेज गति से गाड़ी स्कॉर्पियो आती हुई दिखी, जिसने हमने मैं जाप्ता गाड़ी के रुकवाने का कोशिश की। तो उस गाड़ी रोकते ही गाड़ी में बैठे एक शख्स ने 2 नाल बंदूक से पहले हवाई फायर किया और सेकंड फायर हमारे टीम और मेरे ऊपर किया, जिसमें हमने एकदम साइड में होकर हमारा बचाव किया। जो आगे उसने गाड़ी भगाने की कोशिश करते हुए उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो S11 पलट गई, जिसको मैं जाप्ता घेराबंदी करके चेक किया तो उसमें से एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा के भग चुका था और दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था वो उसके अंदर ही था। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।